टेक्निकल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज। और दोस्तों, एंड्रॉयड क्यू, आपको पता होगा कि एंड्रॉयड पाई एक अपडेट है जो कि 2018 में ही आ गया था और कुछ स्मार्टफोन में आपको देखने को भी मिलेंगे, लेकिन जल्द एंड्रॉयड क्यू भी आने वाला है। और एंड्रॉयड क्यू का नाम क्या है ये तो हमें पता नहीं चला है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है डार्क मोड। आपको पता है कि YouTube में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक डार्क मोड सिस्टम मिलता है जिससे आपके पूरे इंटरफेस डार्क होते हैं और काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। ऐसा ही फीचर आपको आपके Android क्यू में भी आपको सभी में आपको देखने को मिलेगा। अब तो सेकंड फीचर है नेटिव डेस्कटॉप मोड। इससे क्या होगा कि आप अपने स्मार्टफोन को इजीली पीसी से अटैच कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। थर्ड दोस्तों, जो क्या होगा कि फेस रिकॉग्नाइजेशन, हमारा जो स्मार्टफोन की जो फेस रिकॉग्नाइजेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी वहाँ पर जाकर, तो फेस अनलॉक और ये सब चीज़ में आपको ज़्यादा करके दिक्कतें नहीं आएगी। फोर्थ में यहाँ पर क्या होना है, स्मार्ट लॉक का भी इंप्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि स्मार्ट लॉक को पता है कि हमारे स्मार्टफोन में कई तरह के लॉक सिस्टम है। स्मार्ट लॉक्स में आपको बॉडी जेस्चर और भी कई सारे ट्रस्टेड प्लेस ऐसे आपको मिलते, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी काम की जाएगी यहाँ पर, उस पर भी आपको कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फिफ्थ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर फीचर है परमिशन कंट्रोल। परमिशन कंट्रोल में दोस्तों आपको क्या होगा कि आप जो हम जो क्या करते हैं कि एप्लीकेशन में परमिशंस वगैरह सब कुछ होता है, तो इसके ऊपर हम हर चीज़ में बराबर से कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो ऐप होता है वो कभी कभी ऑटोमेटिकली पूरा ही इनेबल हो जाता है, यानी कि कंट्रोल जो परमिशंस होता है वो सभी हम ऑन कर देते हैं, तो ऐसे के अंदर ये हमसे परमिशन, ये जो परमिशन होगा वो हम और भी इम्प्रूव हो जाएगा और आगे हम इसे भी कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, जो सिक्स्थ यहाँ पर फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपको पता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब भी हमें हमारा स्मार्टफोन को करना होता है तो हमें एक थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये फीचर आपको एंड्रॉयड क्यू में आपको फ़ोन में आपको मिल जाएगा। सेवन दोस्तों, यहाँ पर फीचर मेरा इंटरेस्टिंग फीचर है, यानी कि आपको पता है जब भी हमारे स्मार्टफोन में अपडेट आता है तो हम काफ़ी टेंस में होते हैं कि यार ये अपडेट करूँ या ना करूँ, इस अपडेट में कोई बग्स होगा या नहीं। तो आपको अपडेट आने से पहले एक प्रीव्यू आपको मिलेगा, एंड्रॉयड प्रीव्यू। उससे क्या होगा कि आप अपडेट को पहले ही टेस्ट कर सकते हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि अपडेट में बग्स है कि नहीं, तो आप इसे टेस्ट कर सकते हो, और आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये अपडेट सही है तो आप अपडेट कर सकते हो। एट यहाँ पर फीचर भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि ओ एस डाउनग्रेड दोस्तों यहाँ पर जो फीचर है ये हमको सिर्फ कंपनी वाले ही करके दे सकते हैं, सर्विस वाले, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉयड क्यू में आपको ये फीचर्स मिल जाएगा जिससे आप अपने ओएस को डाउनग्रेड कर सकते हो। पाई से आप क्यू से आप पाई में भी कर सकते हो, ठीक है, और पाई से तो होगा नहीं, लेकिन क्यू से आप डाउनग्रेड भी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर नाइन्थ फीचर है फंट एंड शेप। आपको पता है कि स्मार्टफोन्स में कई तरह के टेक्स्ट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सेम टेक्स्ट देख देख कर हम बोर हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको फंट्स एंड शेप्स भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, टेंथ यहाँ पर जो फीचर होने वाला है स्क्रीन अडेप्टेशन, यानी कि आपको पता है कि हमें एक डिस्प्ले अडेप्ट ब्राइटनेस अडेप्टन का ऐसा एक अडेप्टिव ब्राइटनेस हमको एक फीचर मिलता है, वैसे स्क्रीन का अडेप्शन आपको फीचर्स मिलेगी जिसमें हमारे जो स्क्रीन है वो काफ़ी हद तक इन्हेंस हो जाएगी। यानी कि आपका जो स्क्रीन होता है हम अपने मुताबिक कंट्रोल कर पाएंगे, लाइक जैसे जो ब्राइटनेस होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, वैसा स्क्रीन का भी हो जाएगा। दोस्तों, यही थे 10 फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड क्यू ओएस का। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा फीचर, और आपको क्या लगता है कि एंड्रॉयड क्यू का क्या नाम हो सकता है, आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ऐसा लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी साथ में प्रेस करना। तो मिलता है आपका वीडियो में, तब तक के लिए।